तो दोस्तों, आज भारत के मित्र रूस की तरफ से भारत के लिए कई सारी खुशखबरियां निकल के सामने आई हैं और भारत के लिए रूस ने स्पेशली तौर पर कई सारे ऐलान कर डाले हैं, जिससे भारत से जलने वाली देशों को मिर्ची लगने वाली है। दरअसल सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले तो भारत को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हार्दिक बधाई दी और उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की लंबी आयु की कामना की। फिर कल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने यहां पर एक वार्षिक समारोह का उद्घाटन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाई। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन बोले कि हम अपने सहयोगी मित्र देशों का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने रूस के संकट की समय में रूस का साथ दिया और कितने भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद में भी रूस का साथ नहीं छोड़ा और न ही रूस की आलोचना की। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि हम अपने इन सहयोगी देशों को अपने एडवांस हथियार सप्लाई करने के ये तैयार हैं। और स्क्रीन पर आप सभी एक बाकायदा स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये हिंदुस्तान टाइम्स का स्क्रीनशॉट है, जिसके माध्यम से यह पूरी खबर निकल के सामने आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वार्षिक समारोह में यह साफ साफ कह दिया है कि रशिया अपने एडवांस हथियारों को अपने सहयोगी देशों को देने को तैयार है। अब यह खबर भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए बन जाती है क्योंकि अभी भी भारत रूस से कई सारे हथियार खरीदने के बारे में सोच रहा है, जैसे कि S-500 हुआ, इसके अलावा रशिया से TU-160 नाम का जो बॉम्बर है वो हमें लेना है। इसके बाद जो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बन रही है ब्रह्मोस, उसमें भी रूस की मदद भारत चाहता है। साथ में रूस की जो कंपनी भारत को S-400 की डिलीवरी कर रही है, उसने भी भारत को लेकर कल एक बहुत बड़ा ऐलान किया। दरअसल रूस की तरफ से भारत के S-400 की डिलीवरी को लेकर रूस ने हमसे कहा कि भारत यह ना समझे कि रूस यूक्रेन युद्ध में फंस गया है तो भारत को S-400 नहीं मिल पाएगा, बल्कि भारत को S-400 की जो डिलीवरी है वो समय सीमा पर ही मिल जाएगी और S-400 की सारी 5 रेजिमेंट 2023 तक भारत के पास पहुंच जाएंगी। इसके अलावा रूस जल्द ही भारत को सेकंड S-400 की जो रेजिमेंट है वो भेजने की तैयारी कर रहा है और यह जो बात है वो रशिया से S-400 की सप्लाई करने वाली कंपनी रोसब्रोन एक्सपोर्ट के CEO की तरफ से कही गई है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। फिलहाल मैं आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और भारत के मित्र रूस ने भारत के लिए जो ऐलान किए हैं उससे आप सभी कितने खुश हो, इसके ऊपर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।